प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। 16 घंटे तक सीबीआई ने लालू यादव के ठिकानों पर छापेमारी की। सिर्फ लालू यादव ही नहीं, नौकरी पाने वालों के घर पर भी रेड हुई। बिहार के नेता प्रतिपक्ष और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के कमरे की भी तलाशी ली गई। सीबीआई की टीम नौकरी पाने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश कर रही है। आइए हम भी विस्तार से पूरा मामला समझते हैं और जानते हैं कि लालू यादव पर क्या आरोप लगे हैं और क्यों सीबीआई एक साथ इतनी जगहों पर छापेमारी कर रही है। पूरा मामला आखिर है क्या? लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने साल 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहते हुए बगैर किसी विज्ञापन के कई लोगों को रेलवे में चतुर्थ वर्गीय पद पर नौकरी दे दी। नौकरी देने के एवज में उनके या उनके परिवार के सदस्यों से जमीन ली गई। ये जमीन राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और दिल्ली की AK इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर 5 सेल डीड और 2 गिफ्ट डीड के जरिए जमीन लिए गए। जितनी जमीन ली गई उसका कुल रकबा 1,05,292 वर्ग फुट है। वर्तमान में अगर इसकी कीमत का आकलन करें तो यह तकरीबन 4,39,80,000 के आसपास आएगी। सिर्फ यही एक मामला नहीं है जिससे लालू परिवार की परेशानी बढ़ रही है। मामला एक और है जिसमें सीबीआई ने लालू प्रसाद के खिलाफ FIR दर्ज किया था। IRCTC के रांची और पूरी स्थित होटल को लीज देने में अनियमितता का आरोप लगा। इसे लेकर जुलाई 2017 में ही प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उस वक्त भी यानी 7 जुलाई 2017 को राबड़ी देवी के इसी सरकारी आवास समेत अन्य ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। अब इस छापेमारी में क्या क्या सबूत मिले हैं इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान अब तक आया नहीं है, लेकिन खबर है कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और हार्ड डिस्क बरामद किए गए हैं जिसकी जांच होनी है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।